बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो यूनिट टू कंटिन्यू करेंगे रैशनल नंबर्स। तो आज हम लर्न करेंगे वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम आज वेरीफाई करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर वन पे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व करेंगे। वी नो दैट द सम ऑफ एनी थ्री रैशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर रिमेन्स सेम। हमको पता है कि जब हम थ्री रैशनल नंबर्स का सम करते हैं, ऑर्डर चेंज भी करते हैं, तो हमको आंसर सेम मिलता है। आई फॉर थ्री रैशनल नंबर्स ए अपान बी कामा सी अपान डी एंड ई अपान एफ। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ए अपान बी प्लस ब्रैकेट सी अपान डी प्लस ई अपान एफ ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ए अपान बी प्लस सी अपान डी ब्रैकेट क्लोज प्लस ई अपान एफ। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन फॉर वन अपान टू कामा फाइव अपान थ्री एंड थ्री अपान फोर। तो ये हम यूज़ करके प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम ये थ्री रैशनल नंबर्स वेरीफाई करेंगे। तो हम इनको पहले प्रॉपर्टी में लिखेंगे वन अपान टू प्लस ब्रैकेट स्टार्ट फाइव अपान थ्री प्लस थ्री अपान फोर इज इक्वल टू वन अपान टू प्लस फाइव अपान थ्री ब्रैकेट क्लोज प्लस थ्री अपान फोर। तो हम ये वेरीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले वेरीफाई करेंगे वन अपान टू प्लस फाइव अपान थ्री प्लस थ्री अपान फोर। ब्रैकेट सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, थ्री और फोर की एलसीएम निकालेंगे हम। थ्री और फोर की एलसीएम निकलेगी ट्वेल्व। तो हम यहाँ पे निकालते हैं एलसीएम थ्री कामा फोर की एलसीएम टू थ्री टू टाइम टू थ्री वन टाइम और थ्री वन टाइम टू इंटू टू फोर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व। ट्वेल्व यहाँ पे हम लिखेंगे, ट्वेल्व पे थ्री फोर टाइम जाएगा, फोर इंटू फाइव करेंगे, फोर इंटू फाइव ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेल्व पे थ्री टाइम जाएगा, थ्री इंटू थ्री नाइन। तो हम राइट साइड भी हम सॉल्व करते जाएंगे, टू और थ्री की एल सी एम सिक्स निकलेगी, सिक्स पे टू थ्री टाइम थ्री इंटू वन थ्री प्लस थ्री सिक्स पे टू टाइम टू इंटू फाइव टेन इज इक्वल टू प्लस थ्री अपान फोर। वन अपान टू प्लस ट्वेंटी और नाइन होंगे ट्वेंटी नाइन अपान ट्वेल्व। ट्वेल्व और टू की एल सी एम निकालेंगे, ट्वेल्व और टू की टू सिक्स टाइम वन टाइम टू पे टू थ्री टाइम वन सेम थ्री वन टू इंटू फोर 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 इंटू थ्री ट्वेल्व। तो ट्वेल्व एल सी एम हमको मिली, ट्वेल्व पे टू सिक्स टाइम सिक्स इंटू वन सिक्स प्लस ट्वेल्व ट्वेल्व को वन टाइम डिवाइड करेगा वन इंटू ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन। तो ये सिक्स और थ्री होंगे थर्टीन अपान सिक्स प्लस थ्री अपान फोर। ट्वेंटी नाइन और सिक्स होंगे थर्टी फाइव अपान ट्वेल्व। तो सिक्स और फोर की हम एल सी एम निकालेंगे, सिक्स और फोर की थ्री टाइम टू थ्री वन टाइम और थ्री वन टाइम टू इंटू टू फोर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व। ट्वेल्व एल सी हमको मिली, ट्वेल्व पे सिक्स टू टाइम टू इंटू थर्टीन होगा ट्वेंटी सिक्स प्लस फोर ट्वेल्व पे थ्री टाइम थ्री इंटू थ्री नाइन। ये थर्टी फाइव अपान ट्वेल्व आंसर मिला लेफ्ट हैंड साइड का, और ट्वेंटी सिक्स और नाइन हुए थर्टी फाइव अपान ट्वेल्व। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हुई विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। रैशनल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हुई विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री रैशनल नंबर्स
a upon b, comma c upon d and e upon f in any order remains same. हम जब भी rational three numbers multiply करते हैं तो हमको same answer मिलता है with respect to associative property. तो a upon b into bracket start c upon d into e upon f bracket close is equal to ब्रैकेट स्टार्ट ए अपान बी इंटू सी अपान डी ब्रैकेट क्लोज इंटू ई अपान एफ. तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. दिस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. एग्जाम्पल टू है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. तो हम ये इसको सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम रेशनल नंबर्स थ्री लेते हैं, थ्री अपान टू कमा वन अपान टू कमा फोर अपान थ्री. तो ये हम थ्री नंबर्स प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. ये हम प्रॉपर्टी यूज़ करके तो हम इसको लिखेंगे थ्री अपान टू इंटू वन अपान टू इंटू फोर अपान थ्री इज इक्वल टू थ्री अपान टू इंटू वन अपान टू इंटू फोर अपान थ्री. थ्री अपान टू इंटू फोर इंटू वन फोर, थ्री इंटू टू सिक्स इज इक्वल टू वन इंटू थ्री थ्री होंगे टू इंटू टू फोर इंटू फोर अपान थ्री. फोर इंटू थ्री होंगे ट्वेल्व, टू इंटू सिक्स होंगे ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व. तो ये हमको सेम आंसर मिला, वन इज इक्वल टू वन. तो ये प्रूव ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.